Good morning, everyone. This is your English class. My name is Shabana from Crystal School. Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing absolutely fine and going great. Welcome to this video lecture. And today we are going to start a new chapter that is chapter number 10 The Gift. It is in your uh, English course book. ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड नाइन सो आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़ अबाउट अ रिलेशन बिटवीन एन ओल्ड लेडी एंड अ लिटल गर्ल अब ओल्ड लेडी और लिटल गर्ल में फ्रेंडशिप होती है और ओल्ड लेडी की लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं और वो लिटल गर्ल है वो कैसे उनको हेल्प करती है उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है सो ही स्टार्ट द चैप्टर चैप्टर नंबर टेन द गिफ्ट ओके तो यहाँ पे गिफ्ट के बारे में बताया गया है अब गिफ्ट कैसी होती है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम इट शुड बी मटीरियलिस्टिक ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ ऐसी ही गिफ्ट मिले लाइक कार बाइक साइकिल रिस्ट वॉच और नोटबुक पेन काफ़ी बार ऐसी भी आपको गिफ्ट मिलनी चाहिए जो आप छू ना सके देख ना सके लेकिन आपके दिल के वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाए तो ऐसे इमोशनल गिफ्ट पे लोग आपको कभी गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है और यहाँ पे कुछ ऐसे ही गिफ्ट के बारे में बताया गया है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है विच इज नॉट मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ थिंग इट इज़ नॉट सॉलिड इट इज़ टोटली इमोशनल इमोशन के साथ बनाई हुई कुछ ऐसे गिफ्ट है यहाँ पे सो विल कम टू नो विच काइंड ऑफ गिफ्ट इज देयर वट इज़ स्टोरी बिटवीन वट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लिटिल गर्ल एंड द ओल्ड लेडी

In the text you are about to read, Anna learns from Rita, Nana Mary's daughter in law, that Nana Mary was coming home but that she had suddenly gone blind. Rita then invites Anna to a party in the evening to welcome Nana Mary home. But Anna is too shocked and sad to answer. Read on to find out how Anna thinks. ऑफ़ द परफेक्ट गिफ्ट टू गिफ्ट गिव हर फ्रेंड अब जो नैना मैरी है उनकी जो डॉटर इन लॉ है ठीक है मतलब जो नैना मैरी की जो बहू है उनके हज उनके सन की जो वाइफ है उनका नाम है रीता अब रीता एना को बताती है कि आज हमारी मम्मी वापस घर आ रही हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पता चला कि वो ब्लाइंड हो चुकी है मतलब ओल्ड नैना मैरी अब नैना मैरी ऑलरेडी ओल्ड है तो ओल्ड लोगों को काफी बार ऐसा होता है ना कि आंखों में देखने में प्रॉब्लम हो जाती है तो अब नैना मैरी है वो ब्लाइंड हो चुकी है वो देख नहीं सकती कुछ भी और क्योंकि वो घर वापस आ रही थी इतने दिन के बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद तो रीता ऐना से बोलती है कि आपको हमारे घर आना है शाम को हमने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है वेलकम करने के लिए नैना मैरी के अब एना सोच रही है जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आप क्या करते हो आप अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके जाते हो है ना अब ऐना को भी पार्टी में बुलाया गया है और नैना मेरी तो ब्लाइंड हो चुकी है वो तो कुछ देख नहीं सकती तो अब ऐना सोच रही है कि वो उनको क्या ऐसा गिफ्ट दे जिससे उनकी दोस्त को खुशी मिले अब देखते हैं वो क्या गिफ्ट थी एना हैंडेड हर फेवरेट पाथ विच लीड्स इन टू द वुड्स

और नैना मेरी को क्या ऐसा करने की वजह से उनको अच्छा लगे पर क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा और अब वो देख नहीं सकती है वो ब्लाइंड हो चुकी है तो ऐसी क्या गिफ्ट जो जिन्हें उन्हें कंसोल करे वो मतलब कंसोल फ़ील करे जैसे कि कुछ उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो उन्हें अच्छा फील करवाना दैट इज़ कंसोल सो अब वो ऐसे क्या गिफ्ट करें जिससे वो कंसोल फील कर पाए तो ये सोचते सोचते ही एना क्या करती है धीरे धीरे फेवरेट पाथ पे चली जाती है फेवरेट पाथ जो पहुंच जाता है वुड्स में वुड्स मीन्स जंगल में, में फॉरेस्ट में तो उनका एक फेवरेट पाथ था जो जंगल की तरफ जाता था एक ऐसा रास्ता जो जंगल की तरफ जाता था तो वो सोचते सोचते जंगल की तरफ जाने लगी वो फॉरेस्ट की तरफ पहुंचने लगी ओके नाउ अ हैड वॉज अ प्लेस शी ऑफन कम टू इट वॉज़ अ स्मॉल डीप पुल इन द वुड अब एक आगे जाकर वो फॉरेस्ट में जैसे पहुँचती है तो उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वो हमेशा आया करती थी ऑफन मीन्स मैनी टाइम्स तो काफ़ी बार वो ऐसे आती रहती थी तो वो जंगल के अंदर एक छोटा सा डीप पूल था मतलब एक छोटा सा लेक जैसा कुछ बना हुआ था तो वहाँ पे पहुँच जाती है वैन शी नेल्ट टू गेज इन टू द बॉटम लेस एट फर्स्ट शी शॉ नथिंग बट डार्कनेस तो अब वो क्या कहती है गेज मीन्स झाकना तो जब वो पानी भरा होता था तो वो पानी वो उस लेक के पानी को वो जैसे वो नीचे झुक कर देखती है तो वो बॉटम लेस पुल में उसे कुछ नहीं देखता बस उसे डार्कनेस ही अंदर नजर आती है ओके देन एज द सन केम आउट शीज सो द रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स अराउंड हर द रिफ्लेक्शन रिमाइंडेड हर ऑफ नैना मैरी अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख ही रहे हो कि वो एक लेक के पास लाइक छोटे से वाटर पूल के पास बैठी हुई है और उन्हें जैसे जैसे सूरज बाहर निकलता गया तो पहले तो बिल्कुल डार्क दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था अब धीरे धीरे जैसे ही सनलाइट आ रही है तो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है जो यहाँ पर ऊपर की तरफ है वो पानी में भी दिखने लगा तो वो पानी में पूरा दिख रही है और सोच रही है कि जब वो नैना मैरी को वो क्या गिफ्ट करे और काफी बार वो नैना मैरी के साथ भी इस फॉरेस्ट में इस जगह पर बैठने के लिए आया करती थी तो अब वो नैना मैरी को यहां पे याद कर रही है ओके सो हियर वी फिनिश अवर दिस लेक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट दिस स्टोरी सो इन योर होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन दार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग इन योर क्लास वर्क नोटबुक English classwork notebook with good handwriting. So, this is all for today. Thank you so much and have a good day.